Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, पिछली क्लासेज में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, इन्फिनिटिव के बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, और डू डज का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कैसे करते हैं वो सब बताया था. तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम डू डज नथिंग बट का इस्तेमाल बताएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स. अब आप ये सोच रहे होंगे डू डज नथिंग क्या होता है. तो डू डज नथिंग अभी हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, वह खेलता ही रहता है, मैं गाता ही रहता हूं, तुम लोग यार शोर करते ही रहते हो. ये इस तरह की सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए हम आज इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि राजू खेलता ही रहता है. राजू खेलता ही रहता है, अगर मैं इसको बोलता हूं कि राजू खेलता है तो राजू प्लेज बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड. बट वो खेलता ही रहता है से मतलब ये होता है कि वो कुछ और काम नहीं करता, बस सारा दिन खेलता ही रहता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, राजू डज नथिंग बट प्ले. राजू डज नथिंग बट प्ले, ठीक है फ्रेंड. अभी दूसरा सेंटेंस, वे लोग गाते ही रहते हैं. वे लोग गाते ही रहते हैं मतलब कुछ और काम नहीं है उनको, सिर्फ गाना ही काम है, गाते ही रहते हैं. जब देखो तब गाते हैं, सुबह गाते हैं, दोपहर गाते हैं, शाम को गाते हैं, जब भी देखो उनको गाते ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड. तो दे डू नथिंग बट सिंग. अभी आपको डू और डज के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं डू और डज के बारे में कि डू और डज कहाँ लगाते हैं, तो आप समझ चुके होंगे, तो इसमें बताने की कुछ बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स. तो वे लोग गाते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट सिंग. वह रोता ही रहता है, तो ही does nothing but weep, ठीक है फ्रेंड. तो ये था इस्तेमाल नथिंग और बट का, ठीक है फ्रेंड. अगर हम इसमें इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे वो क्यों खेलता रहता है, तो why does he do nothing बट प्ले, वही फॉर्मूला होगा, बट नथिंग और बट का इस्तेमाल करना इसमें है. क्या तुम गाते ही रहते हो, डू यू डू नथिंग बट सिंग, ठीक है फ्रेंड. तो इसी तरह के सेंटेंसेस हम कुछ और भी, मतलब आप समझ चुके होंगे कि नथिंग बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. बिल्कुल ही सिंपल है फ्रेंड, कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी शख्स के बारे में बात करते हैं कि वह रोता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, मतलब वह सोता ही रहता है से मतलब वो कुछ और नहीं करता, जब देखो तब वो सोता ही रहता है, सुबह देखो सोता रहता है, दोपहर को सोता रहता है, शाम को सोता रहता है, रात को भी सोता है, सोता ही है, खाली खाने पीने के लिए और बाथरूम जाने के लिए उठता है वो. तो मतलब इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम नथिंग बट का इस्तेमाल करते हैं कि वो कुछ नहीं करता, बस वही काम करता रहता है. जैसे अरे यार तुम लोग सिर्फ शोर ही मचाते रहते हो, तुम लोग सिर्फ शोर ही मचाते रहते हो, मतलब और कुछ काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हो, क्लास में बैठ के खाली शोर मचाते रहते हो, मतलब वो ज़्यादातर शोर ही मचाते रहते हैं. तो तुम लोग हमेशा शोर ही मचाते रहते हो, यू डू नथिंग बट मेक अ नॉइज, ठीक है फ्रेंड्स. तो हम कुछ और सेंटेंसेस
पे नज़र डालते हैं अच्छी तरह से, और इन इस तरह के सेंटेंसेस को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, और क्वेश्चन में भी। सभी तरह के सेंटेंसेज हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए स्क्रीन पे आप, जैसे सीता नाचती ही रहती है, सीता डज नथिंग बट डांस। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि क्या सीता नाचती ही रहती है, तो डज सीता डू नथिंग बट डांस। वे लोग दौड़ते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट रन। क्या वे लोग दौड़ते ही रहते हैं, डू दे डू नथिंग बट रन। वे लोग क्यों दौड़ते रहते हैं, व्हाई डू दे डू नथिंग बट रन। तुम्हारे पिताजी सोते ही रहते हैं, योर फादर डज नथिंग बट स्लीप। तुम्हारा भाई क्यों रोता ही रहता है, व्हाई डज योर ब्रदर डू नथिंग बट क्राई। आपका लड़का खेलता ही रहता है, योर सन डज नथिंग बट प्ले। वे लोग झगड़ा ही करते रहते हैं, दे डू नथिंग बट क्वेरल। तुम गाली ही देते रहते हो, मतलब गाली देते रहो तो मतलब कंटिन्यूसली नहीं, मीन्स जब देखो तब वो गाली से ही बात करता है, तो वह गाली ही देता रहता है, उसकी हर बातों में गाली होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तुम गाली ही देते रहते हो, यू डू नथिंग बट अब्यूज। वह लिखता ही रहता है, ही डज नथिंग बट राइट। क्या वह लिखता ही रहता है, डज ही डू नथिंग बट राइट। तुम खाते ही रहते हो, मिस जब देखो तब कुछ ना कुछ कुरकुरे पुरपुरे चिप्स विप्स लेके खाते ही रहते हैं, मिस कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो तुम खाते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट ईट। तुम क्यों खाते ही रहते हो, व्हाई डू यू डू नथिंग बट ईट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नथिंग बट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, डज डू डज नथिंग बट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, और क्या दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।